अब गाइस बेन 10 के कुछ हमें ऐसे भी एलियंस देखने को मिले हैं जो कि पोकेमोन के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर लगते हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक है टॉप 10 एलियंस हु लुक लाइक पोकेमोन। तो ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं और सीधा हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हीट ब्लास्ट एंड ब्लेजिकन। अगर गाइज आप लोगों ने बेन 10 को देखा है, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा, तो हीट ब्लास्ट एक ऐसा एलियन है जो कि फायर टाइप है। वहीं अगर आप लोगों ने पोकेमोन को देखा है तो एक ब्लेजिकन है। तो गाइज ब्लेजिकन और हीट ब्लास्ट दोनों फायर टाइप एलियन है, दोनों फायर निकाल सकते हैं अपने मुंह से, हाथ से, कहीं से भी, क्योंकि गाइज ये दोनों फायर टाइप एलियन है तो ये दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर लगते हैं। नंबर 2, रिपचॉस एंड सार्पीडो। अगर आप लोगों ने पोकेमोन देखा है तो एक सार्पीडो नाम का पोकेमोन है जो कि एक सार की तरह हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें रिपचॉस के बारे में तो रिपचॉस पानी के अंदर सांस ले सकता है क्योंकि ये दोनों वाटर टाइप हैं। और गाइस रिपचॉस पानी के अंदर बहुत स्पीड से भी तैर सकता है। वहीं गाइस जो हमारा सार्पीडो है वो अपने मुंह से भी पानी निकाल सकता है और वो भी बहुत फास्ट फास्ट तैर सकता है। नंबर 3, अपचक एंड गुलपिन। अपचक बेन 10 का वह एलियन है जो कि किसी भी चीज़ को खा के उससे एनर्जी ला सकता है। वहीं गाइस अगर हम लोग बात करें गुलपिन के बारे में तो गाइस ये बहुत ज़्यादा छोटा एलियन होता है जिसके सर में एक पंख जैसा कुछ लटकता हुआ हमें दिखता है। ग्रीन कलर का गुलपिन हमें देखने को मिला है। ये भी गाइस सेम काम करता है, वो ले सकता है, एब्जॉर्ब करके उसका जो एनर्जी है उसको ला सकता है। तो ये दोनों भी बहुत ज़्यादा सिमिलर लगते हैं। नंबर 4, कैनन बोल्ट एंड डॉग फैन। डॉग फैन को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये एक छोटा सा हाथी का बच्चा जैसा लगता है जिसके पूरे बॉडी में एक लेयर जैसा कुछ हमें देखने को मिलता है जो कि बहुत स्पीड से ये भी गोल गोल घूम सकता है। बात करें कैनन बोल्ट के बारे में तो कैनन बोल्ट भी बहुत स्पीड से फास्ट फास्ट घूम सकता है। किसी के ऊपर भी अगर टक्कर मारना है किसी को जोर सा, तो गाइस कैनन बोल्ट एंड डॉग फैन जो है ये भी बहुत ज़्यादा माहिर है इसमें। नंबर 5, स्टिंग फ्लाई एंड बी ड्रिल। अगर आप लोगों ने पोकेमोन को बहुत ही अच्छे से देखा है तो बी ड्रिल को हमें काफ़ी बार देखने को मिल चुका है पोकेमोन में। बी ड्रिल एक मच्छर की तरह हमें देखने को मिलता है या फिर एक बी के तरह, जो कि गाइस हम सभी को पता है कि जो बी ड्रिल है उसके हाथों में, पैरों में बहुत नुकीले डंक होते हैं, पूंछ में भी एक बहुत नुकीला डंक होता है। वहीं गाइस अगर हम लोग बात करें स्टिंग फ्लाई के बारे में तो वह अपने मुंह से बहुत ज़्यादा कीचड़ निकाल सकता है, बहुत स्पीड से वह उड़ सकता है। दोनों उड़ने में बहुत ज़्यादा माहिर है, दोनों एयर टाइप हैं। तो गाइस यहाँ पर स्टिंग फ्लाई और जो हमारा बी ड्रिल है ये भी बहुत ज़्यादा सिमिलर लगते हैं। नंबर 6, वाइल्ड मट एंड स्टॉटलैंड। अगर आप लोगों ने वाइल्ड मट को देखा है तो वह देख नहीं सकता है पर किसी के ऊपर भी वह क्विक अटैक कर सकता है। वहीं अगर हम लोग बात करें स्टॉटलैंड के बारे में तो स्टॉटलैंड भी एक डॉगी की तरह हमें देखने को मिलता है। इसके पास भी काफ़ी ज़्यादा पावर्स हैं जैसे कि सैंड और रश का, मतलब कि तुरंत ही रश कर देगा। इसके अलावा इसके पास इंटरमिटेट है, यानी कि ये किसी के ऊपर कूद सकता है, अटैक कर सकता है, किसी को नुकीले पंजों से काट सकता है, अपने लंबे लंबे दांतों से भी काट सकता है। तो ये दोनों भी बहुत ज़्यादा सिमिलर लगते हैं। बात करेगा इस नंबर 7 के बारे में तो वो आता है घोस्ट फ्रिक एंड बेननेट। अगर आप लोगों ने पोकेमोन को बहुत ही अच्छे से देखा है तो हमें गाइस एक पोकेमोन देखने को मिला था जिसका नाम था बेननेट, जो कि एक घोस्ट टाइप पोकेमोन था। आंखें देख के ही इस एलियन का काफ़ी किसी को डर लगता था। ये एलियन भी घोस्ट है तो ये घोस्ट वाला पावर भी अप्लाई कर सकता है क्योंकि इसके पास एबिलिटी भी है। इसके अलावा गाइस ये फ्रिक्स कर सकता है, कर्स बॉडी है, मतलब कि अपने बॉडी को छुपा सकता है, काफ़ी ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं। और गाइस जो हमारा घोस्ट फ्रिक है वो भी इनविजिबल हो सकता है। दोनों के पास गायब होने का पावर है, दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर भी लगते हैं। नंबर 8, डायमंड हेड एंड बोल्डोर। अगर आप लोगों ने डायमंड हेड को देखा है तो वह अनलिमिटेड क्रिस्टल निकाल सकता है, क्रिस्टल के बड़े बड़े चट्टान निकाल सकता है, क्रिस्टल के बहुत बड़े बड़े नुकीले अटैक्स भी कर सकता है। बात करें बोल्डोर के बारे में तो बोल्डोर भी बहुत आसानी से किसी के ऊपर अटैक कर सकता है। ये भी अपने हाथों से, मुंह से बहुत नुकीले क्रिस्टल भी निकाल सकता है। कहा जाए तो डायमंड हेड एंड जो बोल्डोर है ये भी बहुत ज्यादा सिमिलर एलियन हमें देखने को मिला है। नंबर 9, एक्सेलरेट एंड रेकाजा। रेकाजा एक ऐसा पोकेमोन है जो कि स्नेक की तरह हमें देखने को मिलता है जिसके पास क्विक अटैक है, यानी कि बहुत ज़्यादा फास्ट फास्ट ये कहीं भी जा सकता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एलियन है। रेकाजा जो है वो किसी भी जगह में बहुत ज़्यादा फास्ट है। और अगर इस एक्सेलरेट की बात करें तो वह तो हमारा फास्टेस्ट एलियन है, वो कहीं भी क्विक में तुरंत ही जा सकता है, बहुत बड़े बड़े अटैक्स भी कर सकता है। इसके अलावा अगर जो रेकाजा है ये किसी को भी जकड़ सकता है। कहा जाए तो दोनों ही बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज्यादा सिमिलर हमें देखने को मिला है।